ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया और शुक्रवार की शाम तक बहुमत परीक्षण होना था, लेकिन इससे पहले एमपी के सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और बीजेपी सरकार की 15 साल से तुलना करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने 5 साल के लिए चुना था, लेकिन उन्हें 15 महीने ही काम करने दिया गया और इन 15 महीनों में उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की है। निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी के बलिया में निर्भया के गांव में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। निर्भया के चचेरे दादा का कहना है कि न्याय पाने के लिए हम लोगों ने 7 साल से अधिक समय तक इंतजार किया। ये न्याय सिर्फ निर्भया को ही नहीं बल्कि देश की समस्त महिलाओं को मिला है। हम लोगों को खुशी है, उससे अधिक गाँव के लोगों को खुशी है। योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री रमाशंकर पटेल चंदौली पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 3 सालों में जबरदस्त काम किया है, जो पिछले 15 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा ओलावृष्टि के मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े करने पर प्रभारी मंत्री ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कितना घोटाला किया है हम जानते हैं। इसके अलावा कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 सालों में जबरदस्त विकास कार्य किए हैं, जो 15 सालों में पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। वह माननीय योगी आदित्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, जिसका उदाहरण चाहे सड़क ले लीजिए, विद्युत के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य हर में परिवर्तन हुआ है। आप भी कहीं कहीं गांव से हैं, आप एक विद्युत के क्षेत्र में देख लीजिए कि जो 3 साल के पहले हम गांव में शाम को बिजली नहीं पाते थे, हम कभी बिजली से विश्वास उठ गया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गाँव में 18 घंटे 20 घंटे और 24 घंटे बिजली का जो उन्होंने शहर और तहसील और गांव में दिया है, वास्तव में आप उसे एक उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। सड़कों के क्षेत्र में आप 3 साल पहले कितनी सड़कें टूटी फूटी थी, लेकिन आज चंदौली में हम 2720 करोड़ रुपया चंदौली में सड़क पर खर्च किए हैं। यूपी के हाथरस में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। वही आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये घटना कोतवाली हसायन क्षेत्र के सिकंदरा राव जलेसर मार्गदर्शक पर नगला बिहार की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लग गई और किसी तरह ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोरोना वायरस के चलते रामपुर में 2 बजे तक सभी मार्केट बंद रखने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी आंजनी कुमार सिंह के आदेशानुसार 20 मार्च को दोपहर 2 बजे तक सभी मार्केट बंद रहे। जुमे की नमाज के दौरान भीड़ और कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने धर्म गुरुओं से अपील करवाई कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नमाज पढ़ें। देखिए, सबसे बड़ा बचाव तो ये है कि इसका संक्रमण फैलने ही न दिया जाए, और यही वजह है कि खुद कर हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग हम खुद फॉलो कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं, हमारी ज़रूरी मीटिंग्स हम जरूर कर रहे हैं पर वो उतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। एक तो दूसरी बात ये है कि एहतियात बरत रहे हैं, जो सरफेस मॉपिंग है बराबर यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखें हमारे यहाँ भी सैनिटाइजर लगा, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़ी अपरिहार्य परिस्थिति में करते हैं। हाथ धुलने को लेके हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, खुद भी हाथ लगातार धुलते रह रहे हैं जब भी किसी चीज को टच करते हैं। यहाँ तक लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर से कोई चीज अगर आपके घर में जरूरी ना हो, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ही ना निकले, बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकले, बच्चों को बिल्कुल ना निकलने दें, बुजुर्ग और बीमार बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। यूपी के हाथरस में बाइक सवार युवक को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना कोतवाली हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक बाजार से घर जा रहा था, तभी रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने घायल की नाजुक हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बाइक से जा रहा, आपका सामान के जा रहा मैं। अच्छा, अपने गांव की तरफ। हाँ, वहाँ के तीन लोग आए पास से। अच्छा, तीन लोग आके और उनने मेरे से बराबर में मोटरसाइकिल लगा के मुझ करके भागा। उन्होंने गोली मार दी पैर में। पैर को गोली मार दी। तो तुम किस पे मोटरसाइकिल पे थे? और वो किस पे थे? वो भी बाइक से ही। लेफ्ट लेग में गोली लगी थी और मीडियम साइड में गोली लगकर और बाहरी हिस्से से निकल गई है। घाव पूरा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कंडीशन उसकी सीरियस है और सब किसी में होने का पूरा खतरा है। इसे अलीगढ़ हमने मेडिकल कॉलेज में भेज दिया।